Logic to social mobility. This is the topic for this session that social mobility occurs in various ways as it might be based on terms of distances like position, life positions, social status, and individuals' relationship status. All these factors are contributing towards social mobility in one way or the other. सो फॉलोइंग आर सम ऑफ़ द मेजर टाइप्स और लॉजिक्स टू मोबिलिटी इन अ सोसाइटी लाइक अपवर्ड सोशल मोबिलिटी लाइक अर्निंग कॉलेज डिग्री हैविंग अ हाई पे जॉब मैरिंग समवन हु अर्न अ गुड इनकम यदि सोशल मोबिलिटी का जब यह मतलब है कि इंसान एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में मूव करता है तो एक जो कैटेगरी है दैट कॉल्स अपवर्ड मोबिलिटी यानी आप एक पोजीशन पर थे उसके बाद आपकी पोजीशन ऊपर की तरफ चली गई आपका स्टेटस जो है वो यहाँ से मूव करके ऊपर के लेवल पर आ गया इसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं वस्तान एक वक्त में एक एजुकेशन का एक लेवल होता है बुनियादी तालीम थी मैट्रिक था एफ ए किया बी ए किया या बी ए थे तो एम ए कर लिया एम ए थे तो पी एच डी कर ली यानी एजुकेशन के थ्रू आप अपने स्टेटस को चेंज करते हैं फिर ये भी हो सकता है कि किसी फर्द की जो जॉब थी एक वक्त में उस जॉब के अंदर पे कम थी उसने अपनी एफर्ट से अपनी कोशिश से अपनी जॉब को ऐसे लेवल पर ले आए जहाँ पे इंक्रीज हो गई तो ये भी अपवर्ड मोबिलिटी कहलाएगी लेकिन उसके साथ साथ कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं उन सोशल फैक्टर्स में ये है कि जैसे एक जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द था वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी उसकी शादी किसी ऐसी जगह पर हो गई जहाँ उसके पार्टनर की पे या इनकम बहुत ज़्यादा थी तो फैमिली का जो स्टेटस चेंज हुआ तो ये सब जो हैं ये अपवर्ड मोबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं फिर एक है डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी मसलन आप यहाँ पर थे कुछ ऐसे फैक्टर्स कुछ ऐसी वजूहत हुई कुछ ऐसी रीजनज हुईं कि आपका स्टेटस नीचे की तरफ चला गया ये क्या कहलाएगी ये कहलाएगी डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी लाइक ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल लूजिंग अ जॉब बीइंग डाइवोर्स स्पेशली वुमेन यानी डाउनवर्ड मोबिलिटी के अंदर भी कुछ फैक्टर्स वह हैं जो पर्सनल होते हैं कुछ वो हैं जो सोशल होते हैं यानी उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है फैमिली इन्वॉल्व होती है मसलन एक बच्चा जो पढ़ रहा था वो स्कूल से उसका स्कूल ख़त्म हो गया तो ये फ़र्द की ज़िंदगी को डायरेक्टली इसका इम्पेक्ट हुआ या कॉलेज में था फेल हो गया इसी के साथ साथ कोई किसी शख्स के पास अच्छी जॉब थी किसी भी वजह से वो जॉब जो है वो ख़त्म हो गई और फिर ऐसे ही अगर कोई ख़ातून थी या कोई मर्द था उसकी शादी ख़त्म हो जाए तो ये सब फैक्टर्स यानी इंडिविजुअल भी लेवल पर भी और लेवल पर माशी लेवल पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फर्द के स्टेटस को डाउनवर्ड ले जाते हैं तो ये डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहलाएगी फिर एक कैटेगरी है इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी इज अ चेंज इन सोशल पोजीशन, करियर अक्रिंग ड्यूरिंग अ परसनस लाइफ टाइम अब इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी जो है इसका मतलब ये है कि ओवरऑल एक खानदान की सोशल पोजिशन चेंज हो गई मसलन बहुत सारे अफराद बहुत सारे ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनमें से अगर कोई एक फर्द तरक्की करके पूरी की पूरी फैमिली के स्टेटस को चेंज कर देता है किसी ने जॉब उसको अच्छी जॉब मिल गई जैसे हमारे यहाँ मुकाबले का इम्तहान दिया जाता है या अगर कोई फैमिली गांव में थी किसी को बैकवर्ड एरिया में थी उसका कोई एक फ़र्द पढ़ लेता है और वो पूरी फैमिली को उस पॉलिश एरिया में किसी बड़े शहर में ले जाता है वहाँ ले जा सेटल करता है तो पूरी की पूरी जनरेशन पर उसका इंफ्लुंस होता है ऐसे ही किसी फ़र्द के कैरियर के अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है कि वो उस डेवलपमेंट की वजह से अपने ख़ानदान के स्टेटस को बदल दे तो ये इंटर जेनरेशनल सोशल मोबिलिटी कहलाएगी देन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मोबिलिटी इंटर जेनरेशनल सोशल मोबिलिटी अपवर्ड और डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन इन रिलेशन टू देयर पेरेंट्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिवील्स द लॉन्ग टर्म चेंजेज इन द सोशल मोबिलिटी अच्छा अगर तो एक फ़र्द पर सिर्फ इन्फ्लुएंस होगा तो वो शॉर्ट टर्म होगी लेकिन इस चीज़ की दूसरी डायमेंशन जो है कि अगर एक फ़र्द की वजह से पूरे ख़ानदान का स्टेटस बदल जाएगा और उस ख़ानदान के अफराद मिलकर अब अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने की एफ़र्ट में लगे रहेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहलाएगी मसलन ख़ानदान में जिस फ़र्द ने पहली दफ़ा कोई तालीम हासिल करके अपने लिए अच्छा मौाक़ पैदा किए और उसने उसी वजह से उसके पूरे ख़ानदान का इस तरफ रुझान हुआ कि उन सबको मिलकर एफर्ट करनी है तो यह लॉन्ग टर्म मोबिलिटी होगी यानी सोशल मोबिलिटी की डिफ़रेंट कैटेगरीज या टाइप्स हैं जिसमें अपवर्ड मोबिलिटी डाउनवर्ड मोबिलिटी इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी जो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और जो शॉर्ट टर्म भी होती है तो हमें इसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझना है